का, पब्लिक से हमारा जुड़ाव और बढ़ाने का और पॉजिटिव करने का, और इसके लिए मैं सराहना करना चाहूँगा पूरे बचपन आंदोलन की टीम का, और मोर उससे उनकी टीम की मेहनत से कहीं ज़्यादा उनकी इस पॉजिटिव सोच को, इस सोच का नतीजा यह चीज़ है, और यही चीज़ है जो पुलिसिंग को मैं मानता हूँ 21वीं शताब्दी में अपडेट कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन सोच में आगे बढ़ना है, ये सबसे बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं ये उसके बारे में बहुत अहम कदम है। समय की कमी हमेशा रहती है पुलिस विभाग में, सिर्फ मेरे लिए नहीं, प्रत्येक पुलिसकर्मी के लिए, लेकिन यहाँ आना मेरे लिए अति आवश्यक था। इसलिए उमेश जी जब मेरे पास आए तो हमने बोला कि यहाँ वसुधा में, उसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी है कि जल्द ही सरोज और कुरवई में भी इसका गार्डन प्लान होंगे, और मान के चलिए हमने कहा था हम सर्जन से बुक करते ही जल्द से जल्द समय निकालेंगे, और विद इन 10 डेज ये समय हमें मिल गया। तो ये हमारा सौभाग्य, मैं मानता हूँ कि हमारे समय में हो गया, और इसका जो इम्पैक्ट रहेगा मुझे पूरा उम्मीद है वसुधा की मतलब पब्लिक उसको फील करेगी। हमारे मीडिया के साथीगणों से अनुरोध है कि इस संबंध में अपनी तरफ से इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो, यह भी चर्चा हो कि इसमें क्या सुविधा उपलब्ध है और क्या सोच से ये जोड़ा गया है, जिससे फरियादी आम आदमी जो आता है पुलिस से कई अपेक्षाएं लेकर उसको उसके बारे में पता हो, और कहीं ना कहीं छोटे बच्चे किसी तरह से ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं पुलिस एक्सपीरियंस से, वो उससे बचते हुए इस सुविधा का फ़ायदा उठाकर अपना जो पुलिस इंटरेक्शन है उसको और पॉजिटिव पाए। वंस अगेन मैं सिर्फ धन्यवाद दे सकता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो समय हमने काला है मुझे बेहद खुशी है कि ये समय मुझे मिले इसके लिए, और इसका जो फॉलोअप होगा आई एम श्योर वसुधा पब्लिक बड़ी गौर से देखेगी और उसकी पॉजिटिविटी महसूस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानीय एस पी महोदय। अब हम जन दक्ष का उद्घाटन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सभी अतिथि को आग्रह करता हूँ कि बाल दक्ष का उद्घाटन करने के लिए सभी आमंत्रित हैं। हमको बाहर निकलना कोई तो अतुल भाई, अतुल भाई आइए सर। सर भारत माता की जय। चलिए मैं अच्छा उस दिन के बाद आ ही था संडे कल कल इनको मैं बहुत मिस करता हूँ मुझे से जाने के लिए। अच्छा हाँ बिल्कुल आपके आप जैसे बहुत आगे थे भाई साहब आइए ना सर, ये तो बड़ा जो सौभाग्य की बात है कि आप इतने भाग से अरे आप पहले अरे अभी बहुत अंदर की बात हो रही है। आइए कोई और भी मदद चाहिए। किताबों का सिलेक्शन बहुत अच्छा हाँ नहीं मुझे कुदवाले याद अरे कुदवाले में स्पेस थोड़ा और भी मिल गया था। यस सर हाँ उसमें थोड़ा बड़ा अगर फैक्ट दैट इट्स देयर बहुत बड़ी चीज़ है, इसका होना ही अपने आप बहुत बड़ी सफलता है। इसके सर कार्यक्रम छोटा लगता है, भावनाएं बहुत अच्छी हैं। नहीं वो कोरोना की वजह से छोटे करना है। बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसका परामर्श केंद्र में भी यही होता है ना, बहुत से बच्चों को लेकर आने
बस थाने स्टाफ को इतना सेंसिटाइज करें, ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करें। यस सर, वो आप करेंगे। कई सब डिविजन हैं, यही लेना चाहेंगे। अच्छा, बाहर कर लेते हैं, नहीं नहीं तो जैसा आपकी इच्छा हो। और लोग भी लोग, अरे इकट्ठी आई बनाएगी वैसे यहाँ पे बेटर रहेगा। वैसे हाँ, गेम पे कर लीजिए उसको, पूरे का पूरा बैकग्राउंड आइए। बचपन बचाओ उधर करते हैं फिर एक पास ऐसे ही आ गया सर, पुलिस प्रणाली में बाल थाने की आवश्यकता क्यों है सर, और ये बच्चों को कैसे कागर है? मुख्यतः आज 7 नवंबर के दिन थाना बसोदा शहर में आज बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से और उनके प्रयासों से आज बसोदा थाने में एक बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन किया गया है। इसकी उपयोगिता दो तरह से है। सबसे पहले यदि विवादित बालक जो होते हैं उनको कई बार नीड ऑफ ऐसे माहौल की होती है जहां उनसे शांति से बातचीत की जाए और वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रक्रिया से इंटिमिडेट ना हो जाए। साथ ही साथ कई बार फरियादियों के साथ कई ऐसे बालक बच्चे आते हैं जिनका थाने में उपस्थित रहना, जहाँ अन क्रिमिनल्स का भी अरेस्टिंग के बाद आना जाना होता है, कई अलग किस्म के लोगों का आना जाना होता है, उचित नहीं रहता। तो ये उनको एक स्पेस देता है और एक जगह देता है, जगह के साथ साथ वो पढ़ने किताबें, खेलने के लिए खिलौने, मोस्ट इम्पोर्टेंटली माहौल देता है जहाँ कोई नकारात्मक प्रभाव उन पर एक्सीडेंटली भी ना पड़े। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको देखने के संरक्षण की आवश्यकता होती है। परामर्श के दौरान जब लंबे लंबे परामर्श चलते हैं तभी रुकने की जगह की आवश्यकता होती है। इन बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनका ख्याल भी बाल मित्र कक्ष रखेगा। और मैं सराहना करना चाहूँगा बचपन बचाओ आंदोलन की, उमेश शर्मा जी की, अतुल शाह जी की और बसोदा की पुलिस टीम की भी, उनके प्रयासों से आज एक कक्ष उद्घाटन की स्थिति में आया। सर, छोटे छोटे बच्चे सिलोचन का सेवन कर रहे हैं शहर में और कबाड़ा बीनते हुए देखे जा रहे हैं। ये बहुत हाल की खबर आपने जो बताई है वो ऐसे सूचना विदिशा में भी आई है और ऑलरेडी इस पर मैं प्रेस को ब्रीफ कर चुका हूँ। इसमें दो हमारे स्टेप्स रहेंगे। ऑलरेडी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय की गाइडेंस में एक स्पेशल टीम गठित हो चुकी है। इस टीम का पहला प्रयास रहेगा ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको सबसे पहले काउंसलिंग के लिए ले जाना और देखना कि क्या किसी आपराधिक तथ्य के कारण केस में संलिप्त हुए हैं या किसी कारण से मिसगाइडेंस से और किसी खराब प्रभाव में हुए हैं। सबसे पहले वो टीम ये प्रयास करेगी कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको रिस्क से बाहर किया जाए। दूसरा, कलेक्टर साहब की सहायता से हमारा ये प्रयास रहेगा कि सलोचन में इसी तरह का कम होता है तो इसका सेल खासकर टू नॉन ड्रग एडिक्ट्स, टू बिना लाइसेंस के धारकों को, बिना दुकानदार और बिना जो दुकानदार को यूज़ करते हैं उसके अलावा अतिरिक्त लोगों को, इस पर रोकथाम की जाए। इससे मुझे उम्मीद है कलेक्टर साहब की सहायता से हम बहुत शीघ्र ही गाइडेंस दे सकते हैं।